वेलकम टू GSR फ्रेंड्स, गेट सेट रोर में आपका स्वागत है। पिछले 5 हफ्तों में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात की। सबसे पहले हमने वीडियो शुरू किया लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट, कि आप अपनी जिंदगी अपनी पूरी काबिलता पूरी क्षमता के ऊपर कैसे जी सकते हैं। देन वी मूव्ड ऑन टू टैकल द टाइम फैक्टर विच यू हैड इन माइंड, आपकी एंग्जाइटीज और आपकी वरीज के ऊपर हमने काम किया, आपके साइकोलॉजिकल टाइम, आपके क्लॉक टाइम, इन सब विषयों के ऊपर हमने बातचीत की। देन I asked you to find out what is the thing which you really like to do in life. आप दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी चीज है जो आपको करके खुशी मिलती है। उसके बाद हमने उसको करने का एक बहुत स्ट्रांग रीजन, बहुत स्ट्रांग मोटिव ढूंढा, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप वो ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे, उसको एक प्रोफेशन को प्रोफेशन नहीं बना पाएंगे, उसमें एक पैशन नहीं ला पाएंगे आप। और उसके बाद हम गए आपके डेंजर और फियर में, आपके खतरे को मैंने आपके डर से अलग किया, क्योंकि डेंजर सबके लिए सेम है और फियर जो है वो डिफरेंट होता है। इस हफ्ते मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फिनोमिनल। ह्यूमन स्पिरिट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द होल वर्ल्ड। आपकी शक्ति जो है आपके अंदर जो एक आत्मिक शक्ति है, वो दुनिया की सबसे मजबूत चीज है। वंस यू नो दैट यू हैव टू डू समथिंग, फिर आपके सामने कोई भी चीज नहीं टिकती। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में आपके हालात अच्छे नहीं है, ठीक है, आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास मींस नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके लोग साथ वाले जो हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपके आपके फ्रेंड्स के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, आपके घर वालों के साथ अपने रिश्ते अच्छे नहीं है, आपके रिश्तेदारों से आपकी नहीं बनती, बाहर दुनिया में ज्यादा लोगों से आपकी नहीं बनती, लोग आपको गलत तरीके से लेते हैं, या आपको लोग जो है वो समझ में नहीं आते, या आप एक बैड रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, या आपकी आपके पार्टनर्स के साथ नहीं बनती, और आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन योर लाइफ आर नॉट सपोर्टिंग यू। जो बाकी चीजें हैं जिंदगी में वो आपका साथ नहीं दे रही हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपके सामने आज मैं बोल रहा हूं, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि अगर इंसान चाहे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जो उसका रास्ता रोक सकती है। इफ यू विश टू चेंज योर लाइफ, अगर आप अपनी जिंदगी का कोई भी पहलू बदलना चाहते हैं, चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपकी तरक्की हो, चाहे वो आपके अंदर का शांति हो, आपका जॉय हो, आपकी हैप्पीनेस हो, योर लाइफ इन टोटैलिटी, इट इज ओनली वन पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड दैट इज यू एंड नोबडी एल्स। क्योंकि कोई भी अगर चाहे तो वो आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं ला सकता, एंड यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एवरी एक्शन। अगर आपको पता है कि मुझे स्कूल की बास्केटबॉल टीम में मुझे जगह चाहिए और मुझे हर रोज उठकर प्रैक्टिस करनी है, देन यू आर द वन हु हैज टू गेट अप ऑन टाइम। अगर आप बोलते हो यार मैंने अलार्म लगाया, मेरा अलार्म बजा नहीं, सुबह मैं उठ नहीं पाया, मैंने स्नूज कर दिया, मैं लेट गया, 5 मिनट सोया, उसके बाद आंख खुली तो 10 बज चुके थे, तो किसी और की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। और मैं एक बात बता दूं, जितनी बार आप उस अलार्म को बंद कर सोते हो, आप अपने ख्वाब से कम 3 से 6 महीने पीछे हो जाते हो। It is all nature. Newton's first law is actually any action gets an equal reaction. The moment you start running from your dreams start getting separated from you. वो आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी गलती नहीं है। अगर आपके अंदर चाह है, आपके अंदर एक आग है, आपके अंदर एक ज्वाला है उसको पाने की, तो go ahead and do it, man. Who is stopping you? अपनी responsibility लो, खुद के ऊपर लो हर चीजें। मेरे पापा मेरा साथ नहीं देते, मैं तो ये करना चाहता था, मैंने ये बिजनेस खोलने की कोशिश की, उनको समझ में नहीं आता, वो दुकान पे बैठे रहते हैं, उनको क्या पता मैं क्या बिजनेस करना चाहता हूं, जमाना बदल रहा है। अरे यार, जब तेरे पापा ने बिजनेस किया था, somebody supported him? No, he did it himself. धीरूभाई अंबानी अपने कंधे पे, you have seen that in movie गुरु, यार अपने कंधे पे वो कपड़ा लाद के बॉम्बे लेके आता था। उसने सोचा था कि मेरी कंपनी जो है वो इतनी बड़ी हो जाएगी? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट, इट इज बिकॉज व्हाट ही हैड इनसाइड। उसके अंदर जो था उसकी वजह से उसकी कंपनी इतनी बड़ी हुई है कि आज वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। He took responsibility for his actions. महात्मा गांधी, उनको क्या पड़ी थी हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, बट ही टुक एक्शन, ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एवरी इंडिविजुअल इन माई लाइफ इन दिस कंट्री आई हैव टू गेट हिम फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश पीपल। दैट्स व्हाट ही डिड। द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई वांट यू टू डू इज टू गेट अ सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। अपने खुद के कुछ नियम, कुछ रूल्स बनाओ, कुछ कायदे बनाओ, बिकॉज अ मैन और अ वुमन और एनी ह्यूमन बीइंग हु डजंट हैव देयर ओन प्रिंसिपल्स, दे आर ऑलवेज ऑलवेज मेड टू नील डाउन बिफोर द प्रिंसिपल्स ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग्स।
मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपके कायदे और कानून नहीं है तो आप जिंदगी में हमेशा दूसरे लोगों के कानून और कायदों के ऊपर झुकोगे। यू विल कॉम्प्रोमाइज ऑन अदर पीपल्स टर्म्स एंड कंडीशंस। यू नीड टू गेट योर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड एथिकल वैल्यूज। एक चीज मेरी याद रखना, जिस बंदे के अपने रूल्स होते हैं ना, वो कहां से बनते हैं मैं आपको बताता हूं। आपके अंदर एक आवाज है जिसको हम कॉन्शियस बोलते हैं। अगर आपकी कॉन्शियस के बाहर कुछ जा रहा है विच यू रियली डोंट फील लाइक डूइंग, अगर आप किसी को झूठ बोलते हो आपको नहीं अच्छा लगता ना, वो इसलिए अच्छा नहीं लगता बिकॉज देयर इज समथिंग हियर विच सेज इट इज बैड एंड इट इज ऑलवेज बी बैड। डोंट ट्राई टू सप्रेस दैट फीलिंग एंड कीप ऑन लाइंग टू पीपल और कीप ऑन डूइंग बैड टू पीपल और कीप ऑन चीटिंग पीपल। नो, आप कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं पाओगे अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को करेक्ट नहीं करोगे। अ प्रिंसिपल इज अ फैक्ट, ओके, विच यू हैव टू मेक इट इन योर लाइफ कि अगर चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस प्रिंसिपल को कभी नहीं तोड़ूंगा। दैट एथिकल वैल्यूज एंड दोज एथिकल प्रिंसिपल्स आर बेसिकली योर ब्लड लाइन। वो आपके डीएनए के अंदर होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग एग्जाम्पल, I will never cheat people. चाहे जो मर्जी हो जाए मैं किसी को धोखा देके कोई काम नहीं करूंगा, okay? Second thing, if I don't feel like doing that, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा काम करना तो मैं नहीं करूंगा। होगा क्या, अगर आपको ऐसा कोई भी कंडीशन या कोई भी चीज में आप जाओगे जहां से आप अपने आप को नहीं समझा पा रहे वो काम करने के लिए, आप वो काम पूरी काबिलता पूरी क्षमता के साथ पूरे दिल के साथ नहीं कर सकते यार, क्योंकि आपके अंदर से आवाज नहीं आ रही है। और अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है तो पहाड़ से कूद जाना, ठीक है, जिसके मर्जी ऊपर चढ़ जाना, मैं आपको एक बार बता रहा हूं, बिकॉज वंस यू फील दैट यू आर राइट इन लाइफ, बट एनालाइज योर सिचुएशन फर्स्ट। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसे काम करने को, आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसी को जाके गोली मार दो और बोलो मेरे को अच्छा लगा यार मैंने गोली मार दी, नहीं, यू हैव टू बी एथिकल अकॉर्डिंग टू द होल सिस्टम, दिस होल यूनिवर्स दैट यू आर लिविंग इन। फर्स्ट, You cannot harm anybody and be progressive. आप किसी को चोट पहुंचाकर, किसी को चीट कर, किसी को धोखा देकर कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़ जाओगे, गिर जाओगे और फिर आपको याद आएगा यार मैंने ऐसा किया। It is simple law of karma. जो भी आप बोते हो वो आपको मिलता है। और सपोज करो आपने पहले 20 साल जो आपने बोआ वो आपको बुढ़ापे में जाके काटना पड़ गया तो कहां जाएगा आपका बुढ़ापा। आई हैव सीन मेनी पीपल फ्लरिशिंग बिजनेसेस, अपनी जवानी में उन्होंने बहुत पैसे कमाए पर जब बुढ़ापा आया तो ऐसी बीमारियां हुई, दे कुड नेचुरली गो हेड एंड दे हैड टू गिव एवरीथिंग टू देयर डॉक्टर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू हैव बेसिक प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज सेट फॉर योर लाइफ। मैं ये नहीं चाहता कि हर एक आदमी के एक जैसे प्रिंसिपल्स हो। महात्मा गांधी फॉट फॉर आवर फ्रीडम बट ही डिड दैट बाय डूइंग नॉन वायलेंस, उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना, ठीक है। और भगत सिंह जी ने भी वही काम किया बट ही चोज अ डिफरेंट मेथड, ही वॉज लिटिल अग्रेसिव, जैसे को तैसा, पर दोनों का जो मुद्दा था दैट वॉज गेटिंग इंडिया फ्री फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ओके, नाउ ईच सेट ऑफ वैल्यूज डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर। यू डोंट हैव टू अडैप्ट एनीवन एल्सेस पर्सनैलिटी और एनीवन एल्सेस एथिक्स और प्रिंसिपल्स। आप अपने खुद ढूंढो कि आपकी कॉन्शियस आपको क्या अलाउ करती है और क्या नहीं अलाउ करती। व्हाट आर यू कंफर्टेबल डूइंग, व्हाट आर यू नॉट कंफर्टेबल डूइंग, यू गॉट टू फिगर दैट आउट। बट गेट a set of principles and values in your life, because if you don't have that, aap dusre logon ke principles ke upar kaam karoge, aapko apne principles ke upar compromise karna padega aur end mein aapko shanti nahi milegi. Do cheeze dhyan rakhna, main is hafte aapko yahi batane aaya tha, in whatever situation in life you are responsible for that. Aur responsibility khali ye nahi hoti ki maine ye kaam karna tha, maine ye kaam kar diya ji ho gaya. No, responsibility means by doing that thing which is you are responsible for to the best of your level, to the best of your potentiality, of your capability. आपको वो काम अपनी हिसाब से पूरे पूरी क्षमता पे करना है। आप उसके अंदर छूट नहीं दे सकते, या 70% नहीं कर सकते, या 80% नहीं कर सकते। जो आप एक काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो वो आपको दुनिया में सबसे अच्छा करना है, और तभी आप अपनी जिंदगी को बदल पाओगे। एंड देयर इज नो वन एल्स रिस्पॉन्सिबल अपार्ट फ्रॉम यू इन योर लाइफ। इफ यू वॉन्ट टू चेंज समथिंग यू चेंज इट योर सेल्फ। गेट अप एंड गेट सेट रोल।